माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सपनों की आजादी से जुड़े आज इस जश्न के माहौल में मैं आपको बताना चाहूंगा पीडब्ल्यू के एक नए इनिशिएटिव के बारे में। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पूरी तरह से कमिटेड है एस्पायरेंट्स की जर्नी को आसान बनाने के लिए। हमारे प्यारे देश ने ही दुनिया को गिनती सिखाई। ओमी जहांगीर बाबा और डॉक्टर कलाम जैसे कई सितारे, या फिर 1983 और 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, और उसी के साथ साथ सर्जरी का इन्वेंशन, और पूरी दुनिया में भारत के लोग हमेशा से ही आगे रहे। आजादी का वो तोहफा जो हमें 76 साल पहले मिला, आज उसकी बागडोर देश के भविष्य यानी आप लोगों के हाथ में है। देश का फ्यूचर बेहतर बने, एक ऐसा कल जहां हर तबके के बच्चे के पास ना केवल सपने देखने की आजादी हो बल्कि उनको पूरा करने की भी आजादी मिले। पीडब्ल्यू की हमेशा से ये कोशिश रही है, फिर बात हो चाहे आपकी प्रिपरेशन को अफोर्डेबल बनाने की या फिर एक बेहतर से बेहतर एग्जाम के लिए नए बैचेस लाने की। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं भारत के हर एक बच्चों के लिए यही कामना करता हूं कि उनके सपने और हकीकत के बीच की दूरी मिटे और वो अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करें। सपनों की आज़ादी से जुड़े आज इस जश्न के माहौल में मैं आपको बताना चाहूँगा पीडब्ल्यू के एक नए इनिशिएटिव के बारे में, जिसकी मदद से आप भी हमारी तरह लाखों बच्चों की मदद कर पाएंगे और अपने देश की सेवा कर पाएंगे। जी हाँ, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बुक्स डोनेशन कैंपेन की। यहाँ पर आपको अपनी जो पुरानी किताबें हैं जो आपके उपयोग में नहीं आ रही है उनको हमारे नियरेस्ट विद्यापीठ सेंटर में देकर आना है, और फिर हम उन किताबों को भारत के उन बच्चों तक पहुँचाएंगे जिनको उन किताबों की आवश्यकता है, ताकि वो भी आपकी तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज़ाद बने और एक दिन अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सके। तो आप भी जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट विद्यापीठ सेंटर जाए और जो किताबें आपके उपयोग में नहीं आ रही है उनको देकर अपने साथ साथ अपने देश की मदद करें। बुक्स डोनेशन कैंप 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक है। चलिए साथ मिलकर बनाते हैं ऐसा एक कल जहाँ सपनों को देखने की आज़ादी बनी रहे हर एक पल, आगे बढ़ने का हर सपना पूरा हो जाए। आइए मिलकर हम एक ऐसा कल बनाएं। इस सपने देखने की आज़ादी के उपलक्ष्य में पीडब्ल्यू में चल रही सारी बैचेस की प्राइस को अप टू 35% ऑफ कर दिया है, जिससे हर एक बच्चा इन अफोर्डेबल बैचेस को अफोर्ड करके अपनी जेई और नीट की तैयारी कर सकता है। अर्जुना जेई 3.0, अर्जुना नीट 3.0 की प्राइस को 3200 कर दिया है, लक्ष्य जेई 3.0, लक्ष्य नीट 3.0 की प्राइस को भी 3200 कर दिया है। प्रयास 3.0 की प्राइस, जो कि जेई ड्रॉपर का बैच है, उसका भी प्राइस हमने 3200 कर दिया है। यकीन 4.0 जो कि नीट ड्रॉपर के बच्चों की बैच है, वो लाइव हो चुकी है ऐप पर और उसके प्राइस को भी 3200 कर दिया है। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं जो ड्रॉपर नीट बैच में पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर जेई बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूँ यकीन हिंदी का प्राइस 2300 कर दिया है, प्रयास हिंदी का प्राइस 2300 कर दिया है। जो यकीन इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं प्योर इंग्लिश भाषा में, उनकी प्राइस को 3200 कर दिया। इस इंडिपेंडेंस डे में जेई नीट के साथ साथ फाउंडेशन के बैचेस की भी प्राइस को अप टू 35% ऑफ कर दिया गया है। आप 6th क्लास में हैं, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, उन सारे बैचेस की प्राइस को अप टू 35% ऑफ कर दिया गया है। उड़ान 3.0 की मैं बात करूं तो उसके प्राइस को 1500 कर दिया गया है। नीव 3.0 अगेन 1500, रेडिएंट विक्ट्री आईसीएससी के जो हमारे बैचेस है उनकी प्राइस को 2500 कर दिया है। उड़ान हिंदी की प्राइस को 1200 कर दिया है। उमंग जुनून चैम 1300 की प्राइस कर दी गई है। साथ में बच्चों क्लास 12th के बच्चों के लिए जो हमारा डेडिकेटेड CUET का बैच है प्लस क्लास 12th बोर्ड का बैच है, परिश्रम 2.0, उसकी प्राइस को 1800 कर दिया गया है। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं तो जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है विद्यापीठ और पाठशाला, वहाँ पर भी क्लास 11, 12th ड्रॉपर जेई नीट के बच्चों के लिए अप टू 45,000 ऑफ कर दिया है फीस में। साथ में बच्चों जो हमारे फाउंडेशन के बैचेस है 8, 9, 10th के विद्यापीठ और पाठशाला में, वहाँ पर फ्लैट 7,500 ऑफ कर दिया है इस इंडिपेंडेंस डे वीक में।
साथ में बच्चों जो VPOP का मॉडल है विद्यापीठ ऑनलाइन प्लस, जहां पर बच्चे हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, डाउट काउंटर्स ज्वाइन करते हैं, वहां पर भी फ्लैट 2500 रुपीस ऑफ कर दिया है। नियर बाय विद्यापीठ सेंटर जाइए और इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। एक और आजादी है आज हम जिसकी बात कर सकते हैं। जी हाँ, आजादी अपने मनपसंद स्टडी मटेरियल को चुनने की। PW के सारे स्टडी मटेरियल को फ्लैट 15% ऑफ कर दिया है। आप इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं freedom15 और स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं। अरे ऑफर्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। हमारे फैकल्टीज और टीम मेंबर ने आपके लिए एक परफॉर्मेंस प्लान की है, तो चलिए उसको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब मैं बात करना चाहूँगा कॉलेज के बच्चों के लिए जिनका सपना है सिविल सर्विसेज में जाने का, जिनका सपना है भारत की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम UPSC को क्रैक करने का। UPSC की बात हो रही है तो सुमित सर को बुलाना तो बनता है। मेरे कुछ सवाल है उनसे रिलेटेड जो आप लोगों ने ही पूछे हैं, और आपके लिए उनके पास एक सरप्राइज़ है जो PW लेकर आ रहा है आप सभी की प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए। तो सुमित सर को बुलाते हैं और UPSC के बारे में चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच सैम सर।
सबसे पहले तो सभी एस्पायरेंट्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर, यूपीएससी भारत का टफेस्ट एग्जाम है और उस एग्जाम को क्रैक करना पहले अटेम्प्ट में मुश्किल होता है। बच्चों के लिए क्या सही समय है यूपीएससी की तैयारी करने का, और क्या पहले अटेम्प्ट में वो यूपीएससी जैसी टफेस्ट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा सैम सर आपने। एग्जाम तो देखो टफेस्ट है, लेकिन देखो प्रॉपर प्लानिंग के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया जा सकता है और यूपीएससी जर्नी को आसान भी बनाया जा सकता है। अनेकों एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जैसे टीना डबी, अनेकों टॉपर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। लेकिन कैसे? देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है ना, वो है जल्दी स्टार्ट करना। टीना डबी ने अपने कॉलेज डेज में तैयारी को स्टार्ट कर दिया था। जल्दी जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस जैसे कि देखो, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही यूपीएससी के वास्ट सिलेबस को आसानी से कवर किया जा सकता है, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और देखो, यूपीएससी की तैयारी में ना एक स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है, जैसे देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वो स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट यानी कि ऑप्शनल है ना, वो आप अपना बहुत मजबूत बना सकते हो अगर आप कॉलेज की पढ़ाई के दौरान तैयारी करते हो, और आपको प्रैक्टिस करने का भी जबरदस्त मौका मिलता है। और देखो, यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग की, एमसीक्यूज के क्वेश्चन सोल्व करने की, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ये सभी एडवांटेजेस मिलते हैं अगर एक एस्पायरेंट जल्दी तैयारी स्टार्ट करता है। सर, आपने कहा जल्दी शुरुआत करना, पर कॉलेज में बच्चे के पास क्लैरिटी नहीं होती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, प्रॉपर मेंटरशिप नहीं होती है कि यूपीएससी जैसी टफेस्ट एग्जाम की तैयारी फर्स्ट ईयर से शुरू कैसे करे, क्योंकि उसको कॉलेज की पढ़ाई भी मैनेज करनी है, साथ में उसके प्रैक्टिकल्स है और साथ में उसको यूपीएससी की भी तैयारी करनी है। तो वो कैसे इन सारी चीज़ों को बैलेंस करे और कैसे वो इस टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करे? बिल्कुल सैम सर, आपने सही कहा। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ना अनेकों क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में चलते हैं कि तैयारी तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी स्टार्ट करूँ, मतलब कौन कौन से सोर्सेज को रेफ़र करूँ। हमें पता है कॉलेज में बच्चों को दिक्कत आती है, मेरे भी कॉलेज में दोस्त थे जो सिर्फ सोचते रह गए, तैयारी स्टार्ट नहीं कर सके। लेकिन देखो, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पूरी तरह से कमिटेड है एस्पायरेंट्स की जर्नी को आसान बनाने के लिए, और इसी के लिए हम एक यूनिक प्रोग्राम लेकर आए हैं, यूपीएससी प्रारंभ 3 ईयर प्रोग्राम, जो कॉलेज की पढ़ाई के दौरान बच्चों की सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने के लिए है। और देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़, आमतौर पर होता क्या है, एक एवरेज एस्पायरेंट कब तैयारी स्टार्ट करता है? कॉलेज से पास आउट होने के बाद तैयारी स्टार्ट करता है। उसे ना तैयारी करने में कितना समय लग जाता है? 3 से 5 साल। उस समय ना एकदम से ना प्रेशर आने लग जाता है कि एग्ज़ाम जल्दी से क्लियर करना है, फाइनेंशियल प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, बच्चा खुद भी मेंटल प्रेशर ले लेता है, तो ऐसे समय में ना बच्चा अपना बेस्ट नहीं दे पाता। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ना, अगर बच्चा अगर ज्वाइन करेगा तो कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही अपना बेस्ट दे सकता है, और देखो कॉलेज में जो करिकुलम है ना उसके साथ तैयारी को अलाइन भी कर सकता है। कैसे? जैसे अगर एक एस्पायरेंट ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपना ऑप्शनल लिया है तो कॉलेज में तो उसे सिखाया ही जा रहा है, उसके साथ साथ उसकी यूपीएससी की तैयारी भी चल रही है, तो ये बड़ा एडवांटेज है। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये यूपीएससी प्रारंभ 3 ईयर प्रोग्राम इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये प्रोग्राम जैसे ही बच्चा कॉलेज से पास आउट होगा ना, वो ना सिर्फ एग्जाम रेडी होगा, यूपीएससी रेडी होगा, लेकिन इसके साथ साथ मार्केट रेडी भी होगा। कैसे यूपीएससी रेडी होगा? देखो, इस प्रोग्राम में ना जो फर्स्ट ईयर होगा ना, उसमें बच्चे की आधारशिला रखी जाएगी। जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हो, फर्स्ट ईयर में बच्चे के बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाए जाएंगे एनसीईआरटीज को साथ लेके, और दूसरा जो साल होगा वो होगा अग्रिम पड़ाव, इसमें एडवांस प्रिपरेशन करवाई जाएगी ऑप्शनल के साथ लेके, यानी जो स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है उसको साथ लेके, और फाइनल ईयर में फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे। क्योंकि देखो, जैसा मैंने बताया, सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप पसीना बहाओगे मैदान में, उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा आपको फाइनल एग्जाम में। इसलिए फाइनल ईयर रखा गया है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो इस प्रकार से बच्चा जब तक पास आउट होगा ना, पूरी तरह से यूपीएससी रेडी हो जाएगा। सर, आपने यूपीएससी रेडीनेस तो बता दी, आपने एक बात का और जिक्र किया था, मार्केट रेडीनेस। मार्केट रेडीनेस बच्चे की आप कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि वो मार्केट रेडीनेस पे भी काम कर रहा है? ये सयम सर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, यूपीएससी ने ना पिछले कुछ सालों में ना अपना एग्जाम पैटर्न बहुत ज़्यादा रिफाइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा रिफाइंड मतलब
अब ना यूपीएससी एक एस्पायरेंट को ना अनेकों पैरामीटर्स पर परखता है, जैसे कि एस्पायरेंट में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में जैसे रायट्स हो गए वहाँ पर जो डीएम है वो बढ़िया डिसीजन ले सकता है बिना प्रेशर में आए या नहीं ले सकता। तो मतलब एस्पायरेंट को कल को एज ए डीएम काम करना है तो इन सब पैरामीटर्स पर यूपीएससी एस्पायरेंट को परखता है। तो ना हम ना इस 3 ईयर प्रोग्राम में बच्चों को ऐसी स्किल्स देंगे जिससे एक एस्पायरेंट, मतलब वो स्किल्स ना सिर्फ देखो यूपीएससी के लिए ज़रूरी हैं बल्कि बियॉन्ड यूपीएससी भी यूजफुल हैं। जैसे कि देखो प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे अवॉइड किया जाए, एक मतलब आपकी सोशल स्किल्स वो सिखाई जाएंगी, इसके साथ साथ दिन को कैसे मैनेज करना है, कॉन्फिडेंटली कैसे स्पीच देनी है, लीडरशिप स्किल्स, क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेना है, ये सारी स्किल्स बच्चों को दी जाएंगी इस 3 ईयर प्रोग्राम में। देखो जो फर्स्ट ईयर होगा वो होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इसके साथ साथ जैसे नई स्किल्स हैं चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स हो गया, ये सब स्किल्स दी जाएंगी फर्स्ट ईयर में। और इसके बाद सेकेंड ईयर में जॉब रेडीनेस प्लस में सिचुएशन बेस्ड स्किल्स, मतलब ये ऐसी स्किल्स हैं जिससे देखो एक पर्सन सुपर ह्यूमन बन जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ ये स्किल्स यूपीएससी के लिए ज़रूरी हैं बल्कि बियॉन्ड यूपीएससी ज़रूरी हैं। सर एग्ज़ाम रेडीनेस, मार्केट रेडीनेस, पैरेलली इस प्रारंभ 3 ईयर कॉलेज प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कैसे होगा, इसको थोड़ा डिटेल में आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, तो एग्जीक्यूशन की हमने बात की सैम सर, इसमें मंडे से सैटरडे स्मार्ट क्लासेस चलेंगी जिसमें यूपीएससी का सिलेबस कवर किया जाएगा और स्किल बेस्ड क्लासेस भी होंगी। इसके बाद एवरी मंडे टेस्ट होगा, बैटल ग्राउंड अभ्यास। इसके बाद देखो एवरी फोर्थ संडे पीयर टू पीयर सेशंस होंगे जिसमें एस्पायरेंट्स एक दूसरे से सीखेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जिससे सोशल स्किल्स भी आएंगी और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ये सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद एवरी सेकेंड मंथ आप उन लोगों से सीख सकोगे जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, यानी टॉपर्स से आप सीखोगे। ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेट सेशंस हैं वो होंगे एवरी सेकेंड मंथ। इसके अलावा शुरुआत से ही आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा जिससे आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड ये स्टडी मटेरियल होगा। और इसके अलावा भी और बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स हैं इस प्रोग्राम में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यूपीएससी 3 ईयर प्रारंभ प्रोग्राम जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए इस बार पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस की टीम लेकर आ रही है, वो एक्चुअल में कॉलेज स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यूपीएससी एस्पायरेंट्स की, कि कॉलेज के टाइम उनको क्लैरिटी नहीं होती है कैसे अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, कैसे उसको मुकाम तक पहुंचाया जाए। ये प्रोग्राम आपके सपनों को सच करने वाला है। इस प्रोग्राम में आपको एकदम बेसिक से यूपीएससी की जो जर्नी है, जो इतनी टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी को माना जाता है, उस पूरी जर्नी को कैसे आप इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली उस जर्नी को आप जिएंगे उस पर आपको काम कराया जाएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे टाइम पे ये आ जाता तो आज हम भी यूपीएससी की तैयारी कर कलेक्टर बन जाते। पर थैंक यू सो मच सर, आप इतना अच्छा प्रोग्राम लेकर आए बच्चों के लिए, एंड आई होप कॉलेज के बहुत सारे बच्चे जिनका सपना है यूपीएससी को क्रैक करने का, उनको डेफिनेटली ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही सैम सर ये प्रोग्राम तैयार किया गया है। जो गैप है बच्चों को सही समय पे कॉलेज की तैयारी के दौरान उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, उनके 3 से लेकर 5 साल तक बचाएगा ये प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, एंड आपको नीचे लिंक में इसकी और डिटेलिंग मिल जाएगी। थैंक यू सैम सर, और एक बार फिर से एस्पायरेंट्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यूपीएससी का 3 ईयर प्रोग्राम जानने के बाद अब बारी है बच्चों कुछ मौज मस्ती की। पीडब्ल्यू फाउंडेशन टीम ने आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्लान की है, तो चलिए वो देखते हैं। भारत देश शुरुआत से ही शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशन, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे रहा है। हमारे प्यारे देश ने ही दुनिया को गिनती सिखाई जब आर्यभट्टा ने शून्य यानी जीरो का आविष्कार किया। दुनिया के टफेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को जिन्होंने सिंप्लीफाई किया वो भारत के रामानुजन, सीवी रमन, जगदीश बासु से लेकर सतीश धवन, होमी जहांगीर बाबा और डॉक्टर कलाम जैसे कई सितारे जिन्होंने भारत में जन्म लिया और दुनिया भर में अपने देश का परचम लहराया। हम पीछे मुड़कर पोखरण के एटॉमिक टेस्ट देखें या फिर आज के भारत की उपलब्धियों को देखें जिसमें मंगल मिशन, चंद्रयान 3 से लेकर कोविड-19 की इफेक्टिव वैक्सीन सहित अनगिनत अचीवमेंट्स के साथ ही दुनिया भर में इंडियन टेक रिसोर्सेज ने ही बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया है। ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल्स,
या फिर 1983 और 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप या 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग, न जाने कितने अचीवमेंट्स ऐसे हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। मेडिसिन और हेल्थ केयर की जब भी बात की जाती है तो दुनिया का सबसे पुराना मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेदा और उसी के साथ साथ सर्जरी का इन्वेंशन हमारे प्यारे भारतवर्ष के अंतर्गत ही हुआ है। यह आपके फिजिकली और मेंटली लाइफ को बैलेंस करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। भारत के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि दोस्तों हमें योगा और उसी के साथ साथ अलग अलग तरीके की दवाइयों की पद्धति भी देखने को मिलती है। इन सभी पद्धतियों का आप देखते हैं कि डंका आज दुनिया के अंतर्गत बड़े जोर शोर से बज रहा है। एक जमाना था बार्टर सिस्टम का और फिर शुरू हुआ मेटालिक कॉइन्स का दौर और फिर इस्तेमाल किए जाने लगे मेटालिक कॉइन्स, जिसमें से गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत भी एंशियंट इंडिया में ही हुई। मॉडर्न वर्ल्ड में लेटेस्ट रिवोल्यूशन हुआ डिजिटल पेमेंट के रूप में और पूरी दुनिया में इंडिया फिनटेक रिवोल्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया। भारत के लोग हमेशा से ही दुनिया में आगे रहे, मानवता के लिए काम किया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया और ग्लोबलाइजेशन जैसे टर्म को सदियों पहले ही वसुदेव कुटुंबकम के रूप में समझाया। आज हम अपने देश पर जब गौरव करते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या, तो हम पाते हैं कि प्रगति का ये दौर रुका नहीं है। भारत में होनारों को मौका देने के लिए सिलसिला रुका नहीं है। समय के साथ देश को नए कलाम, नए रमनजन मिलेंगे। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए PW हमेशा की तरह अभी भी साथ खड़ा है, अपने देश के साथ, अपने देश के बच्चों के साथ, उनके भविष्य को संवारने में। बच्चों, जैसा कि आपने देखा, भारत देश में इतने सारे इनोवेशंस हुए और लोगों ने मेहनत करके अपने सपनों को पूरा किया। आप भी पा सकते हैं PW के साथ सपने देखने की आजादी। PW ने ठानी है हर टैलेंट को पहचान दिलाएंगे, कैसा भी मंजर हो हौसले का समंदर हम लाएंगे।